गुड मॉर्निंग वसीम साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, पहले तो बाजार पर आउटलुक मजबूती लगातार बनी हुई है, आज थोड़ी सी सुस्ती खामोशी है। पहले तो आउटलुक और उसके बाद आपसे अपडेट। जी सर। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो आउटलुक तो ये है कि ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म करेगा, और अब आपने वो रुझान देखा है, बैंक्स की री रेटिंग हो रही है, ऑटोज में बहुत जान है, और वो दिख रहा है फेस्टिवल सीजन में जहां अटकली लगी हुई थी वहां सेल्स अच्छी है। तो स्टॉक सेलेक्टिव रहिए, बैंक्स में मेरा ख्याल वी हैव टू बी कॉशियस। यहाँ पे बुक कीजिए प्रॉफिट, और मैं जैसे आपको कह रहा हूँ थोड़े कंजम्पशन नाम में जाइए। तो मिक्स्ड बैग है, मे बी द इंडेक्स रिमेन्स रेंज बाउंड, और बैंक्स में भी वी थिंक क्लोजर टू दिस 29,500-30,000 यू शुड बी मेकिंग अ टॉप। तो तीनों चीजों में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, बट मिड कैप्स इज वेयर द मनी इज, वहां पे आपको अच्छा रुझान है। अपडेट यह है सर, आपको गोदरेज प्रॉपर्टी मारुति कहा था, देखिए 6800 वाला मारुति 7050 हो गया, और 900 955 960 वाला गोदरेज प्रॉपर्टी 1055। उसके अलावा आपको पीएफसी, आरईसी, जितने मैंने पीएसयू स्टॉक से है वो सब फायर पे हैं। तो अब आप कहें तो दो तीन नाम है, दिग्गज नाम है, जो आप कहें तो मैं शुरू करूं सर। जी सर, प्लीज बताएं। तो पहला है सर मेरे हिसाब से बीईएल की री रेटिंग इमिनेंट है, आई थिंक पीएसयूज में सबसे स्ट्रांग है, और आपको दिख ही रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस की तरफ रुझान होगा। 97 पे लीजिए, 93.50 का स्टॉप लॉस, ये प्रीवियस हाई की तरफ जाएगा 108-110। दूसरा बाय होएगा मेरा ओल्ड फेवरेट 48-50-60-70-80 पे का अशोक लीलैंड, मुझे लगता है कमर्शियल व्हीकल में बहुत स्ट्रेंथ है। तो 93 में लीजिए, 91-90.5 का स्टॉप लॉस, 100 का टारगेट। और तीसरा अब मेटल्स पे प्ले है, जो स्टॉक में काफी लोगों ने हाथ उतार चढ़ाव किए हैं, बट आई थिंक इट इज रिडिकुलसली चीप, वेदांता 107 में लीजिए, 103.5-104 का स्टॉप लॉस ये, लेकिन 125 जाएगा, क्योंकि यू कैन नॉट हैव हिंडालको ट्रेडिंग एट द वैल्यूएशन, एंड द सम ऑफ पार्ट्स बिजनेस ऑफ वेदांता इंक्लूडिंग सिल्वर इज अ नो ब्रेनर एट दिस प्राइस। तो मुझे लगता है आइदर द मैनेजमेंट विल रिवाइज द ऑफर और द स्टॉक विल फाइंड इट्स फेयर वैल्यू। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त तीन स्टॉक पर। बीएल खरीदिए 93.5-93.50 के स्टॉप लॉस के साथ 108 और 110 के टारगेट के लिए, और अशोक लेलैंड 90.50 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए 100 रुपए के टारगेट के लिए, और तीसरा स्टॉक जो आपको खरीदना है वो है वेदांता 103.50 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए और 125 के टारगेट के लिए। तो ये तीन बेहतरीन पिक्स वसीम साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है, बहुत ही बेहतरीन मूव बाजार में इस वक्त है। अब लाल निशान में लौटता हुआ निफ्टी भी, सेंसेक्स भी, और बैंक निफ्टी तो भाग ही रहा है। चलिए, हमारे यहाँ तो दौड़ तेज चल रही है, कुछ बेहतरीन